चार आने आठ आने बारह आने सोलह आने आ स्वतः मालक तुम्हारे समोर मिस्टर राणे हाजिर है एक नए व्लॉग के साथ। और ये व्लॉग अभी मैं जा रहा हूँ, ये देखो मेरा एकदम लुक एकदम चिल्ली चिल्ली चुलचुल्ली हो गए है, एकदम बावलेट माफिक दिख रहे हैं। ये देखो दाढ़ी बढ़ गई है, केस बढ़ गई, इधर से क्या हो रहा है उधर से क्या हो रहा है। तो अभी जा रहे हैं अपन जरा मेक ओवर के गेमिंग में करने को, तो वेट एंड वॉच के दिल में ना मेरी बेबी। तो गाइस पोपट लाए गए हैं और उनको खाना भी खिलाया गया है। और ये भी हमारे पोपट सर है, पोपट अंकल, जैसे कि आपको मालूम है। हाय करो पोपट अंकल। हाय। अभी आपको पोपट भी आ गया। और ये भरोसे से इधर आ रहे हैं भेंडे। खिलाओगे क्या खा रहे? चिल्ली खिलाओगे तेरी लुल्ली? ए दे कुछ नहीं, अरे चल पार कर देता। ए दे दे उनको दे एक चोच खाली। तो गाइस अभी पोपट हमने पाले, एक इधर से लाए नहीं, हमारे पास उड़ के आए थे, हमने रख लिए वो चीज। तो गाइस अभी बहुत बड़ा मैटर हो गया है। क्या हो गया मालूम है क्या? कि चेतन भाई जो है अपने थोड़े से बीमार है, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, तो उनका मेडिसिन अपने बूट कैंप पे था। तो अभी हम बूट कैंप में जा रहे थे, चेतन भाई ने बूट कैंप की मेरे को कॉल किया कि बोला कि ऐसा ऐसा है कि तुम नीचे लाओ मेडिसिन नीचे लाओ। तो उतने में श्रीमान भाई बुटके में थे, तो चेतन भाई पे उन्होंने डाली तड़ी, बोलते तुम क्या इतना मेन है क्या, तू क्या इतना ये क्या, तू ऊपर आके नहीं ले जा सकता ऐसे। तो हम लोग अभी बुटके के ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जाके रहस्य में क्या होएगा वो देखते हैं। तो क्या होएगा वो आगे तो मालूम पड़ेगा ना आपकी मेरी चुम्मा 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 चुम्मा। अभी मिले सोनू के, श्रीमान भाई बताओ, श्रीमान भाई बताओ। दोस्तों अपना चेतन है ना, वांटेड मूवी का नहीं क्या, सोनू गेट्स वो आईशा टाकिया के पीछे लगता है। चेतन इधर देखो, चेतन इधर देखो जी, लुक दो चेतन सोनू गेट्स। तो गाइस अभी हम बुटके में आए थे, शिवन भाई ने फाइनली ऊपर बुला रहा हूँ, मैं भी जा रहे हैं। तो जाए क्या, आपकी परमिशन है क्या? मैं भी जा रहा हूँ, काम है मेरा। तुम भी जा रहे हो? तो हम भी जा रहे हैं। सोनू को पीछे लेके जाओ, सोनू नहीं जा। और इसका थंबनेल लेना सोनू गेट्स का, प्रॉपर ऐसा सोनू गेट्स लिखने का। चार्ली सोनू गेट्स का नाम किसने लगा, सच बोला? बीटीसी के प्लेयर को कुछ डेविल किसने किया? सोनू गेट्स ऊपर दवाई भी ले, अभी इसको अपने गोले बिले भी खाया, अभी वो फिट है। तो अभी हम जाए, बाय, लव यू, मुआ, टेक केयर, चलो। तो गाइज अभी हम बूट कैंप से निकल गए, थोड़ा सा हमारा टॉपिक हो गया मस्करी का विषय, टोटल मस्करी विषय, ये मतलब एंजॉयमेंट हमेशा रहते। और हमारे जीवन भाई वो वापस जुड़ जग गए और वो वापस गाड़ी चला रहे हमेशा की तरह। उनका नाम है बैंगलोर से उन्होंने 2800 किलोमीटर गाड़ी चलाई, इज्जत है। और चेतन जी जो कि इधर मावते नहीं, इसलिए उनको आगे का सीट गवर्नमेंट ने अलॉट किया है। तो अभी हम जा रहे हैं नसीब द बॉय द गेमिंग के पास, तो वेट एंड वॉच के दिल में द बेबी द गेमिंग द पट्टा द रट्टा द सट्टा द मटका द झटका द लटका। अभी हम बीच रास्ते में थोड़ा सा वलसा मार के यूटर्न ले लिया, क्योंकि अपने गाड़ी हो गई थी पुरानी और गाड़ी का थोड़ा क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं वो देखते हैं। जीवन भाई के इधर कौन तो भी पहचान वाले, और चेतन भाई हमेशा की तरह गाड़ी में से नहीं उतर रहे क्योंकि उनको जड़ है बॉडी, तो उनको उतरना बितरना कंटल आता है। और अभी हम दिखा दे गाड़ी क्या, उसके बाद जाएंगे नसीब के पास। फिर नसीब भाई कैसे अपने रंग रंगोटी करते वो तो आप देखोगे ना, मेरी चुम्मा चेतन भाई को बाइक को मिलेगी जाड़ी। क्या चेतन भाई आपको जाड़ी बाइक को चाहिए क्या, पतली मुझे बताओ चेतन भाई, कुछ तो बोलो। चेतन भाई कुछ नहीं बोल रहे और मैं अपनी बंकर चालू रख रहा हूँ। और अभी हम वाशी टोलना का क्रॉस करके आगे जा रहे हैं। और जीवन भाई हमें किसे क्या की तरह मेरी कॉमो में ड्राइविंग में चाइविंग में सब कर रहे प्रॉपर। अभी हम जा रहे हैं नसीब द बॉय द बल्लू। तो गाइस बच्चे भाई मानपुर चीता कैंप ट्रॉम्बे जो भी एरिया इधर उधर लॉन्च हो चुका है, अपने नसीब भाई की दुकान में आया है अपन। और बहुत साल से मैं नसीब भाई के पास आ रहा हूँ, दुकान छोटा है पर कारीगिरी क्वालिटी है, इज्जत वाड़ी का विषय है नसीब भाई का हमेशा की तरह। और ये देखो नसीब भाई का प्रॉपर ऐसा शॉप है, अभी हम घुसेंगे अपनी गाड़ी उधर पार्क पे गेमिंग हो रही है। तो और मुझे ऐसा टिप आ रहा है कि नसीब भाई नहीं है, तो नसीब भाई के जो भाई है वो भी क्वालिटी कारीगिर है, तो देखते क्या होता है।
भाई साहब अपन रसी भाई के दुकान में घुस चुके हैं। रसी भाई यहाँ पे नहीं है, रसी भाई के बड़े भाई है, छोटे भाई है, दिखते बड़े है। तो अभी हम इधर क्या क्या करेंगे, रंगो रंगोटी के सिक्योरिटी सिक्योरिटी क्या जो रहेगा वो कैचिंग विचिंग प्रॉपर इधर चालू, सब लोग इधर और प्रॉपर काम चले। अभी देखते हैं आगे क्या होगा और क्या नहीं। नसीब भाई ने ये पर नसीब भाई के टॉप स्टाइलिस्ट आ गए ले मार्केट में, और चेतन भाई इधर रिलैक्स हो गए और इधर शेड्स देख रहे हैं हम लोग कि कौन सा शेड करने का, एकदम रिच काम होएगा पब्लिक इधर, एकदम रिच टू रिच, रिच टू लैविश लाइफस्टाइल। और चेतन भाई देखो देखो मुंह का है छुपा रहे हो बिटवा। तो गाइस अभी धोने धोने का काम चालू है, एकदम प्रॉपर पद्धतशीर। नाने भाई इधर पहुंच गए, अभी वो शैम्पू वैम्पू कर रहे हैं। तो भाई क्या आपको क्या लग रहा है, क्वालिटी बनाओगे क्या फेल करोगे? नसीब भाई ने मुझे थोड़ा टेंशन आ रहा है, पर ये उनके भाई है, ट्रेंड उनके अंडर ही हुए तो करेंगे। क्या बोलते हैं शादाब भाई, करोगे ना, क्या वाट लगाओगे? ठीक है चलो भाई दोस्तों रुकते हैं अभी अगले पार्ट के लिए, क्या होता है अभी नहीं के प्रॉपर काम चालू है एकदम पद्धति मीटिंग मीटिंग। अरे भाई आ गए राने भाई, तू सुनाओ थोड़े गाने, ऐसे क्या कर रहे भाई, गाना भी ना लगाओ जरा मस्त पद्धति में। वो चेतन भाई तो क्या उनका अलग ही सीट शॉट चालू है, वो थोड़ा टेंशन में है। तो भाई इधर मेरा काम चालू है रंग रंगोटी, अभी बाल कटिंग हो रहा है, उसके बाद में क्या होगा क्या नहीं अभी देखेंगे ना आप लोग। अभी थोड़ा सा मुझे हेयर बीर कटिंग कर रहे हैं, और चेतन भाई कौन सा अभी उनको म्यूजिक ढूंढ रहे हैं। चेतन भाई कौन सा म्यूजिक गाइस, अगर आपको पता होगा, अगर आपको पता होगा वो नहीं क्या कुठले रे आता विसर लो तीन आए रे जरा शांत आइए। हाँ गाइस मैंने अभी एक म्यूजिक ढूंढा था, तो मैंने एक बैंजो मास्टर को फोन किया, तो ते म्यूजिक अरे याच्यामुळे मुळे विसरलो मी आयला, एवढी बाप है ना टा 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 ते तुझा आहे रे था, मिलने के बाद फिर से मैं शूट कर दो, मिलने के बाद शूट कर गाइस। एक्चुअली म्यूजिक अटवाई है, अरे कंफर्म अटवाई ये था वो म्यूजिक, और ये गाना कौन सा है मैं भूल गया हूँ। अगर आप देख रहे हो तो ये गाने का नाम स्पैम कर दो, और जिसने लाइक नहीं किया ब्लॉग को लाइक करो, और जो नए सब्सक्राइब करो, लव यू। गाइस अभी बालों पे केराटिन लगाया जा चुका है, सेफ्टी में हूँ। तो अभी कुछ करने का इसलिए टाइम पास में अभी हमने खाना खाने को आया, और इधर का चाइनीज एक नंबर बढ़िया रहता है भाई, तो हम इधर ही खाते हैं। देखो लॉलीपॉप मंगाए गए, चेतन भाई फ्राई नूडल खा रहे पद्धत चीर में, और चेतन भाई जो कि हीरो है वो कुछ नहीं खा रहे, वो डाइटिंग पे, और रेडबुल हमें इसी तरह मैं पीता हूँ, और राइस बीस भी आ जाएगा। टॉप क्वालिटी का सेजवान राइस है ये, टॉप क्वालिटी। और ये देखो चेतन भाई मजा कर रहा था डाइट पे, और ये बोल रहे मेरे को मत दिखाओ, पर मैं इनको दिखाऊंगा। ये देखो चाइनीज फ्राइड राइस खा रहा है, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज नूडल्स नहीं खा रहे, इज्जत है भाई को, डिमांड है। चेतन भाई का प्रॉपर में केराटिन चालू है, और भाई इधर बैठे है। चेतन भाई चटका लग रहा है आपको, बोलो मुंह से बोलो, नहीं लग रहा है उसको, चटका नहीं लग रहा है, और रो रहा है तो चटका लग रहा होगा शायद से। और जीवन का भाई का भी इधर प्रॉपर चालू है, दादा भाई एकदम प्रॉपर कटिंग कर रहे हैं, भाई की शादी करने की तो एकदम दूल्हा बना रहे उसको, और मैं इधर हलकट जैसा ब्लॉक कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। भाई का भी प्रॉपर कैरेटिन चालू है, दादा भाई कर रहे, इज्जत है शादा भाई को। ये देखो मैं नाच रहे मोरा अंब्याच्या वनातला को लग रहा हूँ, एकदम कॉकलर बॉय। अभी हमारा प्रोसेसिंग चालू है शादा भाई, प्रॉपर प्रॉपर काम चल रहा है इसका। पर भाई शादा भाई इज्जत दो जरा, मार्केट में समाज में इज्जत की कमी है, इज्जत दो जरा भाई ने, पर शादा भाई नसीब भाई की कमी नहीं महसूस करने दे रहे। ये देखो प्रोसेस देखो इसका कैसा लग रहा है, नुस्ता चटकाना वाफारा गेमिंग, एक चटका लग रहा है, पर क्या करें अभी झटका लगेगा तभी तो होएगा ना सब ठीक। बाल की वाट लग गई थी, अभी प्रॉपर केराटिन ट्रीटमेंट के बाद बाल हो गए एकदम किंग ऑफ द किंग्स। भाई ये देखो बादशाह लुक, गाइस मेरे बाल देखो कितने बड़े हैं, कहां कमोली का लुक है गाइस, पूरे बाल मेरे ऐसे लूप्स द बॉन्स द बिल्ला द कुल्ला द चिल्ला है। तो अभी देखते हैं बाल कटिंग करने के क्या बड़ा है रखने के देखते, पर बात मेरे एकदम जॉन एब्राहम धूम 8 में बहुत अलग लग रहे थे बात।
खतरनाक बड़े हुए हलकट जैसे के नहीं ना, पीछे पीछे नहीं हलकट जैसे नहीं है क्वालिटी, इतने बाल बड़े रखने को भी क्वालिटी मांगती है ना। मैं उधर उसको दिखाओ उसको दिखाओ उसको दिखाओ उनको दिखाओ इस बार मैं कलर नहीं कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं रहा है, पर देखो बाल देखो बाल देखो प्रॉपर बढ़ रहे हैं, प्रॉपर बाल बढ़ गए हैं। तो क्या करने का है क्या नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है कि अभी मैं कुछ और कलर बिलर करूँगा, क्योंकि इसमें भी मुझे बाल मेरे अच्छे लग रहे हैं। ब्राउन तो है, देखिए अर्जुन भाई इधर बैठे और ललवा ललवा द कड़वा तक गड़वा द मड़वा उधर बैठा है एकदम जाड़े मासिक भरड़ा हो गया वो, उसको कुर्सी टूट गई, नई कुर्सी मंगाई गई, उसको वजन में बारीक करना है और लोगों की चीजें तोड़नी, क्या बोल नहीं सकते गाइस। कितना भी कुछ हो क्या, और चेतन भाई का श्रीमान भाई के लिए जो प्यार है ना वो कभी कम नहीं होगा। और देखो अभी भी इतना हो रहा है और मेरा भाई श्रीमान जी के इंटरव्यू देख रहे हैं लाइव पे, इतना प्यार चेतन भाई आयुष्यभर राहणार ना माझी चुमळू चुमळू कुमळू। और ये आदिप भाई है तो इनको कुछ इंटरेस्टिंग आदिप शादाब लादाब कदाब अफगानिस्तान पाकिस्तान सगळा सगळा विषय काय विषय नाही सगळे भाई आपले जे बाकी काय विषय नाही कंटिन्यू इंटरव्यू कंटिन्यू आणि चुमळू। भाई मेरा तो सब कुछ हो गया और मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, इस बार एकदम नॉर्मल लुक में बस वो चीज। अरे भाई मैं तेको क्या बोला था, ये गाइस ये क्या कर रहा है, मैं पहली बार कर रहा हूँ, मैं इसको बोला था क्लीन अप कर दे, तो इसने मेरे को फुल वाइट फेविकॉल चिपका है, अब ये निकल भी नहीं रहा है। बाबा निकल चल क्या क्या लगाए वो, और तू कर शूट कर तू मेरी जब निकल, पब्लिक बोले कि ये क्या कर रहा है गाइस, ये सब मैं नहीं करता हलकटपना। तो ये तो बोला था बस के नहीं है, हाँ मैं सब नहीं कर रहा, क्या है इसको क्या बोलते हैं इसका काम है पीटी साकर लगाए, क्या है क्या बोलते इसको फेविकॉल, अरे बोलो क्या बोलते इसको डिटेन, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है आदमी काला होता है, अरे काला होता है आदमी, मैं ऑलरेडी छावा है, क्या कर रहा है तू बाबा, जान दो गाइस अभी देखते हैं क्या लगा है, तो क्या उजाला होता है मेरे चेहरे पे। गाइस ये सब भी कर रहा है, अगर मेरे चेहरे पे फर्क नहीं पड़ा तो इसमें झांटा भी पैसा नहीं देने वाले, माँ का सब नसीब भाई आप सुनो, अगर इस पे फर्क नहीं पड़ा तो मैं एक रुपया नहीं देने वाला है, दंड भाई सर 100 रुपया दंड वो विषय है भाई, है क्या अरे कुछ नहीं छूता बनाने के कारण को लगे इतने भाई सिस्टम नया नया है, पैसा इतने का मार्केट में मैं लफड़ा भी नहीं देने वाला, एकदम कम मैं 50 रुपये देगा, फर्क गिरा तो देगा, फर्क नहीं तो विषय बंद। तो देख चेतन भाई क्या सुन रहे, दिखाओ अभी चेतन भाई क्या सुन रहे हो आप। अरे कुछ नहीं, ये क्या आ रहा है मेरे इसमें, इंस्टाग्रामला असे ट्रेंड कधीपासून यायला लागले, चिकन भाई काय आहे, मी हेअर कलर कर रहा हूँ और मैं रील्स देख रहा हूँ, ये क्या चल रहा है, व्हाट इज दिस बिहेवियर गाइस, या मावशीला सलाम है गाणी बनवलं। तो गाइस पहले वो कुछ तो क्या था वो बोलते उसको स्क्रब था ना, स्क्रब था, अभी ये डिटॉक्स डिटेन लगाया, अभी इतना मैं भूलभुले वाली चुड़ैल लग रहा हूँ, तो ये भाई को मैं बोला है पैसा तो नहीं देंगे, क्योंकि अगर इफेक्ट नहीं आया तो अभी देख दे क्या इफेक्ट आएगा कि इफेक्ट नहीं आएगा, उसके ऊपर एक पैसा गौना देने का क्या नहीं मेरी चुमान। गाइस देखो कुछ फर्क है क्या इसमें, इज्जत तो दो, तेरा तो गोरा हुआ है, इज्जत तो है समझ में, करता नहीं पर अभी करो, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, आगे का प्रोसेस अभी 2 सेकंड में आपको मालूम पड़ेगा। तो गाइस फाइनली पूर्ण मेकओवर झालेला आहे, पद्धतशीर मेकअप हो गया है, काम नहीं गया और चेहरे पे वो सब पांडरा वांडरा लगा के टैन करके और पबजी भी अभी अनबैन हो गया है, तो फर्क तो है, इज्जत तो है तो पैसा तो देना पड़ेगा, एकदम मस्त हो गया काम मेरा। और चेतन भाई है वो तो रो रहे हैं हमेशा की तरह, उनका वो ग्रीन कलर है अभी वो शवाले हो गया, तो क्या उनका चल रहा है उधर दिखाओ, जो ना दिखाओ
थोड़े भी नहीं काटे बाल, एकदम प्रॉपर काम हो गया। तो गाइस फाइनली इधर सब हो गया और मेरे बाल कटने को ठीक आया था और एकदम चेहरा भी एकदम रॉक हो गया, किंग हो गया। तो अभी शादा भाई ने हमारे बहुत अच्छा काम किया, नसीब भाई के भाई है तो इन्होंने हमारा बहुत काम किया और अभी बोल रहे डिस्काउंट भी देंगे क्योंकि अभी ब्लॉगर बन गए, तो और भी अच्छी बात है, कुछ टेंशन। तो गाइस उधर से अपन निकल गए हैं और अभी एक्सप्रेस वे पे रुके हैं। सुसु ब्रेक तुमको तो मालूम है, सुसु ब्रेक तो हमेशा रहता है, सुसु इज इम्पोर्टेंट करके एकदम मस्त लगता है। तो अभी जाएंगे घर तक गेमिंग और उधर जाके देखते हैं क्या होता है ना। मेरी चुम्मा टोल नाके पे आए सब देना रामी मामू प्रमोशन करो, प्रमोशन करो, कंट्रीब्यूशन करो अपा साहेब, हम तो नहीं देंगे। चेतन भाई उनको साहब बना रहे, हमने टोल नहीं दिया है, किंग ऑफ द किंग्स बोला जाता है, टोल लगा किंग आगे हम पीछे। चलो पूरा डे का प्रवास विवास होके अभी मैं पहुंच चुका हूँ अपने घर पे, मतलब होटल पे, और एकदम प्रॉपर देखो ना गाइज, उसने एकदम किंग बनाया अपने को, एकदम आईब्रो वीब्रो भी मारा है, एकदम प्रॉपर हो गया। तो ये था नॉर्मल ब्लॉग और मुझे मिल गया यहाँ पे मेरी भरोसी पप्पी दे रहे ये वाली नहीं रे वो वाली ये। तो गाइज ब्लॉग अगर लाइफस्टाइल ब्लॉग नहीं क्या, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब फॉलो जो जो रहता है इंस्टा विंस्टा पे वो सब करो। और मुझे एक दूसरा बंदा मिला है इधर जो कि आइटम बाज हो गया, अभी 16-17 साल की उम्र, पतली कमर नहीं के वो विषय, छोटे छोटे बच्चे लोग हैं काम नहीं करते, पर कोई नहीं, पसंद आए तो ब्लॉग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर।